बेहतरीन लेक्चर के लिए अगर आपने पहले कुछ नहीं पढ़ा है तो भी आप पावर सिस्टम का ये लेक्चर सीख सकते हो ये यूनिट सीख सकते हो क्योंकि इसके लिए प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ने वाली तो पावर सिस्टम की जो प्रायर नॉलेज है दैट इज नॉट नीडेड इन दिस लेक्चर तो दिस यू कैन इजीली अटेंड तो जल्दी से सब लोग जाके यार लाइक और शेयर ठोक दो ज्यादातर स्टूडेंट्स को बता दो कि अंकित सर लाइव आ गए हैं और शुरू करने जा रहे हैं लोड फ्लो एनालिसिस चलिए

अकेडमी स्टैंडिंग बिहाइंडर टू एनेबल प्रोवाइड यू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉन्टेंट फॉर फ्री आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन इनिशियटिवर फ्री आते हैं तो बेटा अन अकेडमी क्या कहता है कि भाई जाओ आप बच्चे बच्चे तक नॉलेज पहुंचाओ क्योंकि हर बच्चे का एजुकेशन पे पूर्ण अधिकार है तो हमारे जो एजुकेशनल इनिशियेटिव है उनसे काफी बच्चों को फायदा पहुंचता है अब देखो हमारे फ्री इनिशिएटिव सिर्फ यूट्यूब पे नहीं चलते हैं इसके अलावा हम अनअकेडमी ऐप पे भी प्रोवाइड करते हैं वहां आपको अगर एक्सेस करना है तो सिंपली आपको कोड लगाना है अंकित सी और कोई भी फ्री इनिशिएटिव आप अनलॉक कर पाएंगे इसके अलावा मेरे बच्चों देखो ये मेरी सारी स्पेशल क्लासेस का एक सिंगल अड्डा है टाइनी यू आर एल डॉट कॉम स्लैश अंकेत सी यहाँ जाओगे अगर अपकमिंग स्पेशल क्लास में जाते हो तो आपको मिलेंगी वो सारी क्लासेस जो कि हम लोग आगे कंडक्ट करने वाले हैं जैसे अभी मैं डेली नेटवर्क के लगवा रहा हूं अभी एसी एनालिसिस चल रहा है और इस चैनल के सभी वीडियोस आपको मिलते हैं एक लिंक पे लाइव तो को अपर केस में रखना आपको लेक्चर बाय लेक्चर पीडीएफ भी मिलेंगे लेक्चर के लिंक भी मिलेंगे इसके अलावा मेरे बच्चों देखो अगर आप प्लस पे आते हो तो आपको क्या मिलता है इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स का कॉम्प्रिहेंसिव के साथ क्रैश कोर्स और कंटेंट के नाम पे डेली असाइनमेंट वीकली क्विज टेस्ट सीरीज क्वेश्चन बैंक और इतना ही नहीं अगर कहीं डाउट रह जाए तो डाउट भी किया जाता है आंसर और एक सब्सक्रिप्शन में सारे बैच मिलते हैं वन ईयर टू ईयर थ्री ईयर फाउंडेशन प्लेसमेंट इंटरव्यू पी एस यू ए सेमेस्टर और कोई लेक्चर अगर मिस हो गया तो आप जितनी बार चाहें रिकॉर्डेड देख सकते हैं लाइव देखा है तो भी देख सकते हो रिकॉर्डेड मिस हो गया तो तो देख ही सकते हो अगर बेटा प्लस से भी आगे जाना है तो जाइए आइकॉनिक के लिए वहां प्लस बेनिफिट के साथ साथ मिलता है एक पर्सनल कोच पूरी तरह से आपको गाइड करता है आपका स्टडी प्लानर बनवाता है टीचर्स लगाते हैं आपके साथ स्टडी बूस्टर सेशन आपको मिलता है टेस्ट का सेपरेट एनालिसिस स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइडेड रहता है यार और यहीं तक क्यों रुके एक डेडिकेटेड टीम जो क्लियर करती है आपके सारे डाउट्स तो यहां अगर आप कोड लगाते हो अंकित ई तो आपको इमीडिएटली मिल जाएगा यार टेन परसेंट डिस्काउंट ठीक है तो ये जो कोड है ना ये फ्री में प्लस में आइकॉनिक में सब जगह लगता है फ्री प्लस आइकॉनिक कोड एक काम अनेक अब एक डाउट आता है कि सर अगर यूट्यूब पे इतना है तो प्लस पे क्यों जाए बेटा यूट्यूब पे सिर्फ आपको लेक्चर मिल रहे हैं जो कि कॉम्प्रिहेंसिव भी होंगे क्रैश भी होंगे लेकिन प्लस पे मिलता है माहौल एक सीरियस बच्चों का एनवायरमेंट एक सीरियस टीचर की टीचिंग जहां पे सिर्फ और सिर्फ फोकस होता है टीचिंग पे और वहां आपको कंटेंट इतना एडिशनल मिलता है कि आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ती यू कैन प्रिपेयर ओनली थ्रू प्लस आपको कुछ भी और रिसोर्स अरेंज करने की जरूरत नहीं है और जब आपके रेगुलर टेस्ट होते हैं जब आपका इवेल्यूएशन होता है तो यू गेट टू नो कि मैंने कोई टॉपिक कितने लेवल पे समझा है ताकि आप कंपेयर कंपीट करते रहो लगातार टॉप स्टूडेंट से तो आपकी परफॉर्मेंस का जो स्लोप है ना वो बहुत तेजी से इंक्रीज होता है एज कंपेयर टू यू पढ़ाई दोनों जगह होगी इंप्रूवमेंट दोनों जगह होगा बस ये प्लस में वो चीज़ फास्टर होगी एज कंपेयर टू यूट्यूब इसके अलावा यार हमारा एक नया बैच स्टार्ट हुआ है प्लस फर्स्ट ऑफ मार्च से अगर उसके डिटेल्स या किसी भी बैच के डिटेल्स चाहिए मेरे भाई कुछ बच्चे ई टेक्निकल का पूछ रहे थे यहां चले जाना मैंने यहां ना सारे डिटेल्स आप लोगों के लिए कंपाइल कर दिए हैं tinyurl.com/asegatebatches और बच्चों मैं ऑफ मार्च से आपके लिए ले लेकर के आ रहा हूं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स प्लस पे अब अगर अंकित ई एस सी कोर्स से ज्वाइन करते हो तो वन ईयर का फीस होगा आपका ट्वेंटी सेवन टू ट्वेंटी थर्टी फोर सिक्स एंड टू ई नाइन सिक्स हंड्रेड देखो मैं रिकमेंड करूंगा टू ईयर के ले जाओ पर मंथ कॉस्ट इज मिनिमम और विदाउट एनी इंटरेस्ट आप ई एम आई पे ले सकते हो आइकॉनिक के लिए अगर जाते तो वन ईयर का फीस होगा यार यारेड अगेन आई गो फॉर टू ईयर मैंने मैग्नेटिक मटीरियल सॉरी मैग्नेटिक मटीरियल कह रहा हूँ इलेक्ट्रिकल मटीरियल बंद सिर्फ इसलिए किया है ओनली रीजन इज कि छह से सात बच्चे अटेंड करते थे अब यार उतने बच्चों के लिए मैं डेली एक घंटा नहीं दे सकता आई नीड अ साइजेबल क्राउड और अभी तो मैं देख रहा हूँ पावर सिस्टम में भी क्राउड नहीं आ रहा है बट ये तो चलो शुरू कर दिया तो आई एंड इट क्योंकि ये काफी महीनों से चला आ रहा है बट आगे से अगर आप लोग इस तरह का क्राउड लेके आते हो यार थर्टी स्टूडेंट ट्वेंटी स्टूडेंट तो आई बिलीव माई वन आर इज वर्थ मोर ऑन प्लस एज कंपेयर टू आर यूट्यूब फैमिली और स्पेशल क्लासेस सीधी सी बात है यार मुझे अपने एक घंटे को मुझे अपने दो घंटे को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाना है फिर चाहे वो फ्री हो चाहे पेड अब ये आपको देखना अगर फ्री यूजर्स को ये चाहिए यूट्यूब फैमिली को ये चाहिए कि नहीं सर हमारे लिए ज्यादा काम करो तो या फिर आना बनेगा आना आपको पड़ेगा आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सर हमारे लिए काम भी करो हम अटेंड भी नहीं करेंगे आप लगे रहो सर एक तरफ से ठीक है प्लस में बेटा बैच को फॉलो करो ताकि सिलेबस कंप्लीट हो जाए बार बार बैच स्विच करोगे दिक्कत आएगी अब देखो आज का कोट क्या है द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइम क्या मतलब है बेटा लाइफ में बेहतरीन लाइफ में बेहतरीन अचीवमेंट तब मिलती है जब सबसे मुश्किल चढ़ाई आप चढ़ते हो जब बेटा सबसे मुश्किल रास्ता चलोगे जब सभी कठिनाइयों को पार करोगे तभी कोई बेहतरीन से बेहतरीन चीज आपको मिल पाएगी आसान बेटा जीवन में कुछ भी नहीं है सांस लेना तक आज के दिन में आसान नहीं है सांस लेने में भी लोगों को कोविड हो जाता है तो बात ही क्या है तो सब चीजें सब चीजें मुश्किल हैं लेकिन उन मुश्किलों को पार करके ही आप जीतोगे और इसीलिए इसीलिए बेटा हमेशा मेहनत से डरना नहीं है मेहनत जहां दिखे यू शुड गेट एक्साइटेड कि ये तो मैं पार कर लूंगा यहां मैं अच्छा कर जाऊंगा क्योंकि मैं एक चीज जानता हूं मैं भले ही दिमाग में कमजोर हो सकता हूं हो सकता है मेरे पास रिसोर्सेस की कमी हो लेकिन मेरी मेहनत कम नहीं होगी जीतना है ना दुनिया से तो जीतो अपनी मेहनत में अगर मेहनत में आप जीत गए तो आपको जीवन में कोई नहीं रोक सकता हमेशा ध्यान रखना हार्डवर्क ऑलवेज बीट्स टैलेंट कोई टैलेंटेड पैदा हुआ है भाड़ में जाने दो आप कम टैलेंटेड हो चलेगा बट कम मेहनत की वो नहीं चलेगा टैलेंटेड हो या नहीं लॉन्ग रन में मैटर नहीं करता मैटर सिर्फ और सिर्फ इतना करता है क्या आपने हार्डवर्क किया यार किसी की सक्सेस को देख के ये कह देना कि ये तो पैदाइशी टैलेंटेड था इसको तो पहले से पता था ये अच्छा कर जाएगा बहुत आसान है लेकिन बेटा ये देखना ना उसको कितना टाइम लगा वहां तक पहुंचने में ये कोई नहीं मॉनिटर करता आज की डेट में आप विराट कोहली सचिन तेंदुलकर ड्राविड किसी को भी देख के कह सकते हो दे वर गॉड गिफ्टेड बट बेटा कितने ईयर्स लगे ना उस गॉड गिफ्ट को डेवलप करने में वहां तक पहुंचने में वो कोई नहीं देखता है तो ये ध्यान रखना किसी का एंड रिजल्ट मत देखो बेटा उसकी स्ट्रगल देखो लाइफ में जो कोई ऊपर पहुंचा है वो स्ट्रगल से ही पहुंचा है ठीक है, लेक्चर्स देखने तो भी काउंट करते हैं मतलब पता नहीं क्या लिखते हो चल अब यार देखो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है लोड फ्लो एनालिसिस लोड फ्लो एनालिसिस के अंदर मैं आपको इंट्रोडक्टरी तौर पे पढ़ाने वाला हूं मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स पर्टिकुलरली बस एडमिटेंस मैट्रिक्स तो सर ये लोड फ्लो एनालिसिस होता क्या है देखो लोड क्या है लोड है सिस्टम में एक ऐसा इक्विपमेंट जो सिस्टम से पावर ड्रॉ कर रहा है दैट इज लोड अब वो लोड कितनी पावर किस लाइन से किस जनरेटर से ड्रॉ कर रहा है दैट इज द लोड फ्लो तो लोड फ्लो इज नथिंग बट पावर फ्लो तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि सिस्टम में पावर कहाँ से कहां फ्लो कर रही है कितने अमाउंट में फ्लो कर रही है किस पर्टिकुलर बस पे कितनी पावर है किस लाइन के अंदर कितनी पावर है ये सब चीज़ें जब हम मेजर करते हैं सब चीजें जब हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज द लोड फ्लो एनालिसिस तो लोड फ्लो एनालिसिस का सिर्फ और सिर्फ पर्पज़ ये होता है पावर सिस्टम के सारे पैरामीटर्स डिराइव करने का यानी कि वोल्टेज डिराइव करना है करंट डिराइव करना है रियल पावर डिराइव करनी है रिएक्टिव पावर निकालनी है सारे पैरामीटर अगर एक कंप्लीट पावर सिस्टम के लिए निकाले जाए इज कॉल्ड एज द लोड फ्लो एनालिसिस आप आप बात को समझिए लोग जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ के आए हो वहां पे दो बसे होती थी बीच में एक लाइन या मैक्स टू मैक्स दो लाइनें होती थी बट वो एक बहुत छोटा हिस्सा है पावर सिस्टम का प्रैक्टिकली अगर बात करें हजारों बसे हैं लाखों ट्रांसमिशन लाइन है इस पूरे नेटवर्क का अगर एनालिसिस करना है तो हमारे पास कुछ ऐसे सिस्टम्स होने चाहिए जो इतने बड़े पावर सिस्टम का एनालिसिस भी कर पाए ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे गए मैनुअली फिजिबल नहीं है मैनुअली अगर सौ बसेस का सिस्टम आ जाए तो इट्स नॉट पॉसिबल टू एनालाइज बट ये सब एनालिसिस करता कौन है सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर के अंदर जो एल्गोरिथम आप बिल्डअप करते हो सॉफ्टवेयर के अंदर जो सॉफ्टवेयर बेसिकली आप डिजाइन कर रहे हो दैट ऑल कम्स अंडर द लोड फ्लो एनालिसिस तो हम ये समझेंगे लोड फ्लो एनालिसिस होता कैसे है बट प्रैक्टिकली इट इज इंप्लीमेंटेड इन अ सॉफ्टवेयर इट्स नॉट इंप्लीमेंटेड और इट्स नॉट डन मैनुअली ये बात याद रखेंगे इतने बड़े बड़े सिस्टम बेटा हाथ से नहीं सॉल्व किए जाते समझ गए तो यहां लिखा भी है देखो हमें निकालना क्या है वोल्टेज मैग्नीट्यूड फेज एंगल रियल एंड रिएक्टिव पावर ये चार पैरामीटर वोल्टेज का मैग्नीट्यूड वोल्टेज का एंगल रियल पावर और रिएक्टिव पावर अब भाई पावर सिस्टम के अंदर दो तरह की मैट्रिक्स आती हैं यस पावर फ्लो एनालिसिस और लोड फ्लो बात एक ही है देखो पावर सिस्टम के अंदर दो तरह की मैट्रिक्स आती हैं वाई बस और जेड बस ठीक है दो मैट्रिक्स डिफाइंड है अब सर ये वाई बस और जेड बस क्या है देखो हम ये कहते हैं पावर सिस्टम में अगर बस पे आप करंट देखें तो इट शुड बी वाई बस इनटू वी बस व्हाट इज दिस वी बस वी बस कंटेन्स वोल्टेज एट डिफरेंट नोड्स और बसेस ठीक है आई बस आई बस क्या है भाई आई बस कंटेन्स करेंट इंजेक्टेड इंजेक्टेड माने करेंट एंटरिंग करेंट इंजेक्टेड एट डिफरेंट बसेस बात को समझना मेरे भाई एक एक बस पे कितना करंट इंजेक्ट हो रहा है दैट इज आई बस और उस बस की वोल्टेज क्या है दैट इज वी बस तो आप एक बात को यहां पे समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त ये जो बसेस होती है ना ये कुछ भी नहीं है ये पावर सिस्टम की नोड है ये अलग अलग नोड है और नोड पे नोडल एनालिसिस लगाने के लिए आप नोड का वोल्टेज एज्यूम करते हो वो है वी बस जो आप नोड पे वोल्टेज एज्यूम कर रहे हो दैट इज योर वी बस तो नोडल एनालिसिस लगाने के लिए जो वोल्टेज आएंगी वो वी बस में होंगी और बस पे जो करंट एंटर होगा वो आई बस में होगा इनके बीच की मैट्रिक्स है है वाई वाई बस बस इनके बीच की मैट्रिक्स जीएमआर बेटा फिजिकल रेडियस के बराबर नहीं होगा वैशाली ऑब्वियसली पॉइंट सेवन सेवन एट एट आर होगा उसका स्किन इफेक्ट से कोई लेना देना नहीं उसका फ्लक्स लिंकेज से लेना देना है अब इसी का उल्टा रिलेशन होता है यार जेड बस में अगर वोल्टेज को हम करंट से रिलेट करें अच्छा पोजीशनिंग भी देखना ऐसा मत करना आई बस इंटू जेड बस गलत हो जाएगा जेड बस इंटू आई बस जेड बस में अगर आई बस मल्टीप्लाई कर दें तो दैट इज कॉल्ड एज वी बस तो इसका ऑर्डर देखो अगर एन क्रॉस वन है एन क्रॉस एन एन क्रॉस वन एन इज बेसिकली टोटल नंबर ऑफ बसेस टोटल नंबर ऑफ बसेस जेड बस इंटू आई बस इज दैट क्लियर तो बेटा वाई बस का इन्वर्स होता है जेड बस ये भी मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए जेड बस इज नथिंग बट इट इज द इनवर्स ऑफ वाई बस क्या है ये वाई बस का इन्वर्स क्लियर हुआ क्लियर हो गया भाई यहां तक चलो अब बस एडमिटेंस मैट्रिक्स की बात करेंगे आज के लेक्चर में मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया कि दो तरह की मैट्रिक्स होती हैं एक जेड बस एक वाई बस एक्चुअली होता क्या है ना देखो वाई बस का यूज होता है लोड फ्लो एनालिसिस में और बस का यूज होता है फॉल्ट एनालिसिस में इस यूनिट के अंदर मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड लेक्चर लेके आऊंगा कि बस से कैसे परफॉर्म करते हैं बट अभी के लिए आप लोग फोकस करो वाई बस से कैसे लोड फ्लो एनालिसिस किया जाता है ठीक है अब देखो ये एक network मैंने आपको दे दिया, ये जो admittances ये जो हैं, और Y20 कर लो, ठीक है? तो एडमिटेंस बिटवीन बस एंड ग्राउंड उसमें जीरो दिखाया जाता है जो भी एडमिटेंस बस और ग्राउंड के बीच में होती है ना वहां पे हम लोग जीरो शो करते हैं और जो वन और टू के बीच में है वन टू टू और थ्री में टू थ्री वन और थ्री में है वन थ्री अब देखो यहां पे क्या करना होता है मेरे भाई यहां पे ना हमें नोडल लगाना होता है मान लो यहां एक करेंट सोर्स आ गया सपोज मान लो ये है आई वन ऐसे मान लो यहां पे है आई टू क्या है करेंट सोर्स अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा सर पावर सिस्टम में तो वोल्टेज सोर्स होता है करेंट सोर्स थोड़ी ना होता है बिल्कुल सही कह रहे हो पावर सिस्टम में वोल्टेज सोर्स होते हैं करेंट सोर्स नहीं होते इसीलिए जब वाइबस बनाते हो ना उन वोल्टेज सोर्सेस को करेंट सोर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है तो पहले आप वोल्टेज सोर्स को सोर्स ट्रांसफॉर्म करके करेंट सोर्स बनाओगे तब जो चीजें हम यहां कर रहे हैं वो वैलिड रहेंगी अब देखो क्या होगा अब यहां पे हम क्या कहते हैं आई वन इज द एंटरिंग करेंट अब आई वन क्या होगा वाई वन जीरो इंटू वी वन वाई वन टू वी वन माइनस वी टू देखते चलो वाई वन थ्री वी वन माइनस वी थ्री आई बिलीव नोडल का सबको आइडिया होगा बस यही आप नोडल के अंदर नोडल के अंदर आप डिवाइड करते हो इम्पिडेंस से यहां मैंने मल्टीप्लाई किया है एडमिटेंस से आयुष कह रहे हैं सर हम मैट्रिक्स बना क्यों रहे हैं बेटा देखो जब सौ बसेस हो जाएंगी ना तो सौ बसेस की लीनियर इक्वेशन सौ बनेंगी अब सौ इक्वेशन तो आप बिना मैट्रिक्स के नहीं सॉल्व कर पाओगे ना ठीक है बेटा बिरयानी हब के नाम से जो भी तुम हो बेटा मैंने इनफाइनाइट बस के बारे में अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस किया है अब देखो ऐसे ही सेकेंड बस पे आ जाओ सेकेंड पे आ जाओ यहां पे बात करो आई टू की आई टू एंट्रिंग है लीविंग करेंट कितना होगा वाई वन टू वी टू माइनस वी वन वाई टू थ्री वी टू माइनस वी थ्री ठीक है अब थर्ड बस पे आ जाओ उसमें कोई करंट एंट्रिंग नहीं है ठीक है करंट एंटरिंग नहीं है इसीलिए जीरो डाला है और ये तो आप जानते हो ना नोडल लिखते हुए सारे करंट आउटगोइंग मानते हैं इसीलिए टू पे लिख रहा हूं तो टू माइनस वन टू माइनस थ्री लिख रहा हूं थ्री पे लिख रहा हूं तो थ्री माइनस वन थ्री माइनस टू लिख रहा हूं ये इक्वेशन मेरे पास आ गई एक बार ये इक्वेशन मेरे पास आ गई तो मैं क्या करता हूं अब मैं ना इन इक्वेशन को बेटा एक साथ कलेक्टिवली लिखता हूं देखो आई वन इज मैं टर्म्स एक साथ लिख लेता हूं ठीक है देखते चलो आप मैंने ना v1 वाली टर्म्स एक साथ ले ली और v2, v3 को अलग कर दिया ठीक है समझ में आ रहा है ना भाई सभी लोगों को जहां कोई चीज नहीं क्लियर हो तुरंत बताएंगे और तीसरे में जीरो है ये आ गया अब यार ऑब्वियस सी बात है तीन इक्वेशन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है दैट इज मैट्रिक्स महालक्ष्मी बेटा मैंने पहले से दे रखा है करेंट सोर्स एंट्रिंग ठीक है अगर एग्जिटिंग दिया होगा तो माइनस साइन यूज कर लेना अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है जो लेफ्ट हैंड वाले एलिमेंट है ना इनको एक मैट्रिक्स में दिखा दो आप यहाँ पे क्या लिख दो इस मैट्रिक्स में आई वन आई टू जीरो फिर इसके बाद ठीक है अब यहां पे आप क्या लिखोगे y10 वन जीरो प्लस वाई वन टू प्लस वाई वन थ्री माइनस वाई वन टू माइनस वाई वन थ्री फिर माइनस वाई वन टू मैं क्वेफिशेंट लिखते चल रहा हूं जो वोल्टेजेस के आए हैं ठीक है ना भाई ये आ गया भाई ये आ गई वैल्यू, ओके, चलो बढ़िया है रंजन यार आप एंजॉय कर रहे हो ये समझ आया एलिमेंट्स तो ये होती है वाइबस पता है अब बहुत सारे बच्चे आगे के जो मैं कंसेप्ट बताने वाला हूं वो तो कैचअप कर जाएंगे वो तो वो सीख लेंगे कि कैसे वाइबस डायरेक्टली बनाई जाती है लेकिन वो ये बेसिक भूल जाएंगे और इस साल गेट वालों ने ये काम बड़ा अच्छा किया यार कि उन्होंने वाइबस बनाने बोला लेकिन वो क्वेश्चन जो है ना नेटवर्क से बनता वो डायरेक्टली पावर सिस्टम के रूल से बनता ही नहीं वो इतने बेसिक लेवल से लेके आना था अब वहां पे बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए क्यों क्योंकि वो ये भूल गए का बेसिक क्या है फंडामेंटल क्या है आई कहाँ से है जब आप अगर आप ये चीजें भूल जाओगे ना तो बेटा फिर दिक्कत होगी फिर बहुत समस्या होने वाली है इसीलिए बेहतर तरीका क्या होता है कि भले ही आप फाइनल रिजल्ट याद रखो लेकिन बेसिक को इतना इग्नोर मत कर दो कि बेसिक पूर्ण रूप से गायब हो जाए अब आप यहां पे एक चीज ऑब्जर्व करेंगे मेरे भाई कि यहां पे जो डायग्नल एलिमेंट्स हैं, उसमें एडमिटेंस का सम आ रहा है ऑब्जर्व करो जरा डायग्नल एलिमेंट्स में क्या हो रहा है एडमिटेंस का सम आ रहा है तो मैं यहां पे यह लिख सकता हूं डायगनल एलिमेंट आप कहोगे सर सम कौन सी एडमिटेंस का ध्यान से देखो डायगनल एलिमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एडमिटेंसेस सम ऑफ एडमिटेंसेस कनेक्टेड टू आ पर्टिकुलर बस सम ऑफ एडमिटेंसेस कनेक्टेड टू अ पर्टिकुलर बस ठीक है अब सर ऑफ डायगनल भी तो देखो एक बार बिल्कुल देखो यार यहां नेगेटिव आ रहा है एडमिटेंस का तो हम कहते हैं ऑफ डायगनल एलिमेंट ऑफ डायगनल एलिमेंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एडमिटेंस बिटवीन बस एंड ग्राम बिटवीन टू बसेस ठीक है ये बात चमकी देखो दिखाता हूं अगर देखो वन और टू वाला एलिमेंट चाहिए यानी वाई वन टू चाहिए तो उनके बीच में लगी एडमिटेंस का नेगेटिव ले लेना उनके बीच की एडमिटेंस का नेगेटिव वन वन वाला चाहिए डायगनल तो वन जीरो प्लस वन टू प्लस वन थ्री यानी जो एडमिटेंसेज वन से जुड़ी हैं उन तीनों का सम टू टू वाला चाहिए टू जीरो प्लस वन टू प्लस टू थ्री टू जीरो प्लस वन टू प्लस टू थ्री इस तरह से इन तीनों का सम ले लिया थ्री वाला चाहिए थ्री जीरो प्लस टू थ्री प्लस वन थ्री इस तरह से कर दिया ठीक है तो आप यहां पे ना सिंपली ये कह सकते हो यार कि अगर आपको आई जे वाला एलिमेंट चाहिए तो ये नेगेटिव ऑफ एडमिटेंस बिटवीन आई एंड जे नेगेटिव ऑफ एडमिटेंस बिटवीन आई एंड जे ये बात क्लियर हो गई भाई चलो, अब इसके बाद देखो वाइबस एलिमेंट्स वाइबस के एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं कि हर एलिमेंट क्या शो करता है अगर डायगनल एलिमेंट की बात करो देखो उसके लिए आपको ना पहले एक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी देखो अगर आप यहां से एक इक्वेशन उठाओ यहां से अगर आप एक इक्वेशन उठाओ या चलो मैं आपको लिख के दिखाता हूं एक्चुअल में वाइबस का फंडा कैसा बन रहा है देखो ऐसा कुछ I1, I2, अप टू In, ये तो हो गए बस पे आने वाले करंट। फिर आती है बस वाली मैट्रिक्स फिर आती है बस की वोल्टेजेस ठीक है इस टाइप से आएगा ठीक है, ये बनेगा यार ये बनेगा अब इसके अंदर अगर आप आई एथ रो उठा लो आईएथ वाला करंट उठा लो तो कैसी इक्वेशन बनेगी वाई आई वन वी वन वाई आई टू वी टू वाई आई थ्री वी थ्री ऐसे ही करते करते बेटा एक आई आई भी आएगा वाई आई आई वी आई और ऐसे ही वाई आई एन वी एन ठीक है अब इसमें अगर डायगनल एलिमेंट चाहिए तो वाई आई आई वाला चाहिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सारे एलिमेंट जीरो कर दो सिवाय वाई आई, आई आई वाली टर्म के कैसे आप v1 को जीरो डाल दो v2 को जीरो डाल दो v3 को जीरो डाल दो vn तक सबको जीरो कर दो सिवाय vi के ऐसे वाई आई वन अगर चाहिए टू से लेके एन तक सबको जीरो कर दो तो बचेगी कौन सी टर्म सिर्फ वाई आई वन इसी अनुसार यहाँ डेफिनेशन लिखी गई है यार देखो वाई वन वन है आई वन बाई वी वन बाकी सभी वोल्टेजेस जीरो हैं वाई वन टू है आई वन बाई वी टू बाकी सभी वोल्टेजेस जीरो हैं तो आप क्या कह सकते हो अगर किसी बस पे डायगनल एलिमेंट निकाल रहे हो तो इसे कहेंगे ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस का मतलब क्या होता है कंसीडरिंग कंसीडरिंग करेंट एंड वोल्टेज एट सेम बस कंसीडरिंग करेंट एंड वोल्टेज एट सेम बस अगर एक ही बस का करंट और उसी बस का वोल्टेज लिया जाए तब उसे कहते हैं ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस मुकुल एक काम करो बेटा सारा सब्जेक्ट्स ना एक साथ लगवा लो बारह है ना सबसे बढ़िया तरीका है बारह के बारह चौदह सब्जेक्ट सुबह से लेकर रात तक पढ़ा करो और मजे में रहो एकदम पावर सिस्टम भी लग जाए अब पावर सिस्टम लग रहा है तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लगेगा तो यार मशीन कब आएगा इतने मशीन अगर आ गया तो बच्चे क्या बोलेंगे सर पावर सिस्टम एक और बार तो कर ही लेते हैं है ना बीच में मेजरमेंट की डिमांड आ जाएगी अभी नेटवर्क भी पढ़ा रहा हूँ इस समय पे मैं नेटवर्क कंप्यूटर साइंस के लिए डिजिटल और इलेक्ट्रिकल के लिए पावर सिस्टम इलेक्ट्रिकल ई सी का नेटवर्क कंप्यूटर साइंस का डिजिटल इलेक्ट्रिकल का पावर सिस्टम इतना मैं ले रहा हूं बट इसके बाद भी अगले सब्जेक्ट की डिमांड पहले है गजब हो अब देखो ये जो ऑफ डाइग्नल एलिमेंट है यहां पे हम इसको बोल रहे हैं ट्रांसफर एडमिटेंस ट्रांसफर एडमिटेंस का मतलब है करंट एंड वोल्टेज एट डिफरेंट बसेस अगर एक बस का करंट लिया है तो दूसरी बस का वोल्टेज ले लो भाई करंट एंड वोल्टेज एट डिफरेंट बसेस तभी तो ट्रांसफर बोलेंगे तभी तो ट्रांसफर की बात करेंगे अलग अलग बसेस पे ठीक है तो मैंने आपको यह भी बता दिया डायगनल पे आता क्या है सम ऑफ एडमिटेंसेस कनेक्टेड टू अ बस ऑफ डाइगनल पे क्या आता है नेगेटिव ऑफ एडमिटेंस बिटवीन टू बसेस राजेश बैकग्राउंड डार्क इसलिए नहीं रखता बहुत सारे बच्चे इसको प्रिंट कराते हैं डार्क बैकग्राउंड रखूंगा तो प्रिंट नहीं करा पाएंगे चलो अब देखो बस एडमिटेंस मैट्रिक्स इज जनरली अ स्पार्स मैट्रिक्स स्पार्स मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है कि इसके बहुत ज्यादा एलिमेंट इसके बहुत ज्यादा एलिमेंट जीरो होते हैं क्यों जीरो होते हैं जब कोई बस किसी और दूसरी बस से नहीं कनेक्टेड होगी तो उनके बीच की इंपीडेंस इनफाइनाइट होगी अरे यार दो पॉइंट के बीच में अगर कनेक्शन नहीं है तो ओपन है ना ओपन है माने इनफाइनाइट इम्पिडेंस इसका मतलब एडमिटेंस इज एडमिटेंस इज जीरो तो हम क्या कहते हैं बस एडमिटेंस इज स्पार्स स्पार्स का मतलब है मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर जीरो व्हाई इट इज जीरो बिकॉज नॉट ऑल बसेस कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर हर बस तो एक दूसरे से नहीं कनेक्ट होगी ना एक बस तीन बस से चार बस से कनेक्टेड होगी सब कोई एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हो सकती इसीलिए मैट्रिक्स में बहुत सारे एलिमेंट ज़ीरो होते हैं तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना एफ आई एथ एंड जे एथ बसेज आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर इफ आई एथ एंड जे एथ बसेज आर नॉट कनेक्टेड टू एच अदर वाई आई जे विल बी जीरो वाई आई जे विल बी जीरो तो बेटा ऐसा तो हो ही नहीं सकता जैसे मान लो अब गाजियाबाद की कोई बस है दिल्ली के पास गाजियाबाद पड़ता है यूपी में अब गाजियाबाद की कोई बस है वो कन्याकुमारी से क्यों जुड़ेगी वो हैदराबाद से क्यों जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी डायरेक्टली ऑब्वियस सी बात है इसका मतलब एक बस एक लिमिटेड नंबर ऑफ बसेस से कनेक्टेड होती है हर दूसरी बस से कनेक्ट नहीं की जाती तो उनके बीच का एलिमेंट क्या रहेगा जीरो तो स्पार्सिटी को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं टोटल नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अब देखो नॉन जीरो एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट कौन से होते हैं बेटा इससे ज्यादा डेप्थ में पढ़ने के लिए कुछ होगा तब ना पढ़ोगे थोड़ा सा फॉलो करो दिमाग लगाओ चीजें समझ जाओगे इससे ज्यादा डिटेल क्या लाओगे बताओ एकदम बेसिक जीरो लेवल से चीजें पढ़ रहे हैं नेटवर्क लगा रहे हैं नोडल तो एक काम करो और डेप्थ में आप नेटवर्क की कोई किताब उठाओ नोडल पर डालो अब देखो आप एक चीज नोटिस करना कि ये जो मैट्रिक्स है ना ये सिमेट्रिक है दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक यहां माइनस वाई वन टू है तो यहां भी माइनस वाई वन टू यहां माइनस वाई वन थ्री तो यहां भी माइनस वाई वन थ्री यानी जो वाई वन टू वाला एलिमेंट है ये एक जगह नहीं सिमेट्री की वजह से दो जगह आता है तो एक जो एलिमेंट है दैट अपीयर्स एट टू प्लेसेस ड्यू टू सिमेट्री अब बेटा अगर ऐसा होता है तो मैं आपसे क्या कहता हूं कि टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे ध्यान देना टोटल एलिमेंट्स आपके कितने होंगे दैट विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर एन इज नंबर ऑफ बसेस अभी मैंने आपको बताया ना मैट्रिक्स का ऑर्डर एन क्रॉस एन होता है एन क्रॉस एन होता है ठीक है तो एन क्रॉस एन अगर ऑर्डर होता है तो कितने एलिमेंट है एन स्क्वायर एन स्क्वायर अब इसके बाद कितने नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे हाउ मैनी नॉन जीरो एलिमेंट्स देखो डायगनल वाले हमेशा नॉन जीरो रहेंगे डायगनल पे क्योंकि सम आता है प्लस टू टाइम्स नंबर ऑफ एडमिटेंस जितनी भी एडमिटेंस नेटवर्क में है उसका दुगना क्योंकि आपने देखा एक एडमिटेंस दो जगह आती है क्योंकि सिमेट्री की वजह से वाई आई जे इज इक्वल टू वाई जे आई मैं यहां लिख भी देता हूं वाई बस इज सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाई आई जे इज इक्वल टू वाई जे आई ठीक है तो डायगोनल पे कितने एलिमेंट है यार एन है एन एलिमेंट होंगे डायगोनल पे एन क्रॉस एन मैट्रिक्स के एन होंगे डायगोनल पे ठीक है और हर एडमिटेंस एक ट्रांसमिशन लाइन से आएगी तो नॉन जीरो एलिमेंट इज एन प्लस टू इंटू ट्रांसमिशन लाइन एन प्लस टू इंटू ट्रांसमिशन लाइन ठीक है ये होते हैं नॉन जीरो तो जीरो एलिमेंट कौन से होंगे टोटल माइनस नॉन जीरो इस पे जो है ना क्वेश्चन अक्सर आ जाता है ये स्पार्सिटी वाला कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है तो आपको ये पता होना चाहिए कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं कैसे पता करोगे डायगनल प्लस टू टाइम्स द नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन हर ट्रांसमिशन लाइन एक एडमिटेंस लेके आएगी लेकिन उसकी एक एडमिटेंस दो एलिमेंट के अंदर इंक्लूड होगी और वो दो एलिमेंट कौन से होंगे एक आई जे तो एक जे आई एक आई जे और एक जे आई ठीक है चलो ये बात क्लियर है भाई अब कंस्ट्रक्शन ऑफ वाइबस कंस्ट्रक्शन ऑफ वाइबस के बेटा दो मेथड होते हैं एक होता है डायरेक्ट इंस्पेक्शन एक होता है सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन एक डायरेक्ट इंस्पेक्शन और एक होता है सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन इसमें गेट के अंदर जो है ना बस ये पहले वाला मेथड है अगर गेट की बात करें और दूसरा मेथड जो है ना ई एस के सिलेबस में तो दूसरा मेथड आपको गेट के लिए तैयार करने की जरूरत नहीं है स्वाम्यो बेटा देखो बिल्कुल मैं मानता हूं बहुत सारे बच्चे होंगे जो रिकॉर्डेड देखते होंगे सब चीजें समझता हूँ लेकिन आप ये भी समझो यार हमारा जो मोटिवेशन बनता है वो लाइव व्यूअर से बनता है अब यार अब ऐसा भी मत बोलो ना कि हम लोग एक तरफ से करते जाए सबके तो देखो मैं क्या बता रहा था कि आज का ये मेरा सातवां लेक्चर है और ये सात लेक्चर पता है क्यों हो पा रहे हैं क्योंकि बेटा मैं लाइव ले रहा हूं लाइव में क्या होता है ना डेढ़ घंटा पढ़ाओ दो घंटा पढ़ाओ एनर्जी बनी रहती है लेकिन रिकॉर्डेड करने के लिए मतलब ये बोला जाए ना रिकॉर्डिंग कर लो तो यार बहुत मतलब ना अंदर से मुश्किल लगता है कि रिकॉर्डिंग अब यार मतलब बिना बच्चों के पढ़ाना है वो बहुत टफ काम है तो अभी आप लोग ये चीज समझते नहीं हो कि ठीक है एक नोबल इनिशिएटिव है लेकिन बेटा अगर टीचिंग को ही हम लोग एंजॉय नहीं करेंगे तो कैसे हम लोग कॉन्टेंट अपना बेस्ट दे पाएंगे एक चीज सोच के देखना अगर मैं एंजॉय नहीं कर रहा मेरी मजबूरी बन गया पढ़ाना जस्ट मेरी मजबूरी क्यों बन गया क्योंकि मैं बच्चों की मदद करना चाहता हूं तो यार टफ हो जाएगा लेकिन अगर मैं एंजॉय कर रहा हूं तो मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन चीज बता सकता हूं क्योंकि आप लोग लगातार मुझसे बातें कर रहे हो टाइम कब निकलता है पता भी नहीं चलता तो यार ये चीज भी समझो है ना चलो अब देखो यार डायरेक्ट इंस्पेक्शन मेथड का मतलब क्या होता है डायरेक्ट इंस्पेक्शन का मतलब यह होता है कि आप नेटवर्क को देखते से ही मैट्रिक्स लिख दें अगर आप नेटवर्क को देख के मैट्रिक्स लिख पाओगे डायरेक्ट इंस्पेक्शन मेथड अब सर यह कैसे करें बेटा इसका सीधा साधा उपाय बताया मैंने तुम्हें इसके अंदर आपको करना क्या पड़ेगा एक सेकेंड नेट का कुछ इश्यू हो रहा है क्या क्योंकि यहां तो ग्रीन दिखा रहा है चलो देखो मैंने आपको क्या बताया कि डायरेक्ट इंस्पेक्शन मेथड में क्या है नेटवर्क हमने देखा नेटवर्क के अंदर हमने बोला जितने भी एक बस से कनेक्टेड एलिमेंट है सबका सम कर दो वो बन जाता है डायगनल एलिमेंट और जितने भी दो बसेस के बीच के एलिमेंट है उसका नेगेटिव लेके लिखना है ये रामबाण इलाज याद रखो सम ऑफ एडमिटेंसेस सम ऑफ एडमिटेंसेस एट अ बस गिव्स यू द डायगनल एलिमेंट नेगेटिव ऑफ़ एडमिटेंस बिटवीन टू बसेस गिव्स यू ऑफ डायगनल एलिमेंट एज सिंपल एज दैट ठीक है तो ये देखो जो लोअर केस लेटर है ना लोअर केस जो है वो एक्चुअल एडमिटेंस बताते हैं और ये जो अपर केस लेटर है ना ये बताता है एलिमेंट ऑफ द वाइबस यानी मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है वो अपर केस लेटर से दिखाओगे और जो लोअर केस लेटर है वो सिर्फ क्या बताएगा जो एडमिटेंस वहाँ जुड़ी है जो एडमिटेंस वहाँ पे जुड़ी है तो वाई आई जे देखो वाई आई जीरो पहले मैं ये स्मॉल कर देता हूँ वाई आई जीरो का मतलब क्या है एडमिटेंस बिटवीन बस आई एंड ग्राउंड और स्मॉल वाई आई जे का मतलब क्या है एडमिटेंस बिटवीन बस आई एंड बस जे बस आई एंड बस जे बेटा मैं सिर्फ तभी रुक सकता हूं सौम्यो मैं ऐसा नहीं है पढ़ाना बंद कर रहा हूं मैं सिर्फ कह रहा हूं आप लोग आते रहो मेरा पढ़ाने में मोटिवेशन बना रहेगा अगर आप लोग आना छोड़ दोगे तो मेरे माइंड में एक फीलिंग ये सेटअप हो जाएगा कि यार पेड कोर्स को टाइम दो वो बच्चे कम से कम आते तो हैं लेकिन यार अगर फ्री स्टूडेंट्स ही नहीं आएंगे तो मतलब क्या इनिशिएटिव रह गए बताओ क्या हमारा रेवोल्यूशन रह गया रेवोल्यूशन में सैनिक ही गायब है ठीक है अब ऑफ डायगनल एलिमेंट इज नेगेटिव ये हटा दो यहां से मैं ऐसे लिख देता हूं बड़ा बड़ा वाई आई के इज नेगेटिव ठीक है और अगर दो बसेस कनेक्टेड नहीं है उनका एलिमेंट विल बी जीरो अच्छा एक चीज और समझो एक चीज और समझो यहां पे ध्यान से देखो हाँ अगर आप ये पूरी रो का सम करते अगर आप ये फर्स्ट वाली रो का सम करते तो कितना आता सम y10 y10 दूसरी रो का सम कितना आता y20 तीसरी रो का सम कितना आता y30 यानी अगर आप एक रो का सम करो तो आपको क्या मिलता है एडमिटेंस बिटवीन बस एंड ग्राउंड एडमिटेंस बिटवीन बस एंड ग्राउंड बेटा बिल्कुल इंपॉर्टेंट है जितने टॉपिक गेट के हैं वो तो वैसे भी ई में आते ही हैं, ठीक है समझ में आया तो मैं यहां पे लिख देता हूं सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन आर ओ अस द एडमिटेंस बिटवीन बस एंड ग्राउंड ठीक है बस और ग्राउंड के बीच की एडमिटेंस मिलती है मैटलैप भी बता दो मैटलैप बेटा सॉफ्टवेयर है ना सॉफ्टवेयर में कैसे बताऊं बताओ यहां पे अब देखो एक क्वेश्चन हमारे सामने आ गया अ पावर सिस्टम हैज 15 बसेस एंड 35 ट्रांसमिशन लाइन डेटा माइंड द परसेंटेज पार्सिटी न्यूट्रल ग्राउंडिंग तो बेटा मैंने करा रखा अपने लेक्चर में जाके देखो फॉल्ट में राइस बेटा एक बार जाके चेक करो इतने बाकी बच्चे क्वेश्चन बनाओ यार आज के दिन में मेरे रिकॉर्ड नंबर ऑफ लाइव सेशन होंगे इसके बाद साढ़े ग्यारह बजे भी एक है ऐसी मोटिवेशनल सेशन है जरूर आना साढ़े ग्यारह बजे तो बेटा आज मैं आठ लाइव सेशन लेता हूं आठ आज के दिन में आठ लाइव सेशन ले रहा हूं तीन स्पेशल क्लास चार यूट्यूब और एक प्लस चलो भाई कम ऑन स्पार सिटी बतानी है देखो ऑर्डर क्या होगा मैट्रिक्स का और बेटा मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोटेक्शन के सारे नोट्स एक साथ अपलोड कर दिए हैं जाके जरूर चेक कर लेना ये होंगे 225 एलिमेंट है ना अब मैं क्या कहता हूं कि नॉन जीरो कितने होते हैं डायगनल प्लस टू इंटू ट्रांसमिशन लाइन डायगनल माने पंद्रह और दो ट्रांसमिशन लाइन यानी कि एट्टी फाइव तो इससे जीरो एलिमेंट्स कितने बने नॉन जीरो अगर एट्टी फाइव हैं तो जीरो एलिमेंट्स कितने हैं दैट इज वन फोर्टी तो अब परसेंटेज स्पार्सिटी क्या हो गई आपके लिए वन फोर्टी बाय टू ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ये ध्यान रखना इसमें बच्चे बहुत सारे गलती क्या करते हैं वो ये गलती कर देते हैं कि वो जीरो एलिमेंट्स की जगह ऊपर नॉन जीरो एलिमेंट ले लेते हैं तो ये आया सिक्सटी टू पॉइंट टू टू ठीक है दैट विल बी द आंसर बस क्या होता है फीलिंग नहीं आता राहुल बस एक ऐसा जंक्शन है जहां मल्टीपल ट्रांसमिशन लाइन जुड़ रही है आपका जो नेटवर्क एनालिसिस का नोड है वही पावर सिस्टम का बस है और थोड़ी कुछ भी फर्क है अब देखो यार अगला क्या बोला है अ थ्री बस पावर सिस्टम नेटवर्क हैज द फॉलोइंग ट्रांसमिशन लाइन डेटा यूजिंग द नॉमिनल पाई मॉडल ऑफ द लाइन डिटरमाइन द बस एडमिटेंस मैट्रिक्स न अकेडमी पे फ्री क्या क्या चल रहा है बेटा अभी तो मैं नेटवर्क के पी वाई -क्यू लगवा रहा हूं देखो ध्यान से देखना ये एक बस हुई वन बस हुई टू बस हुई थ्री अब यार इनके बीच में ना लाइंस कनेक्टेड है लाइंस माने ट्रांसमिशन लाइन और इसने बोला है वो ट्रांसमिशन लाइन का कौन सा मॉडल यूज करने को इसने बोला है भाई पाई मॉडल यूज कर लेना पाई मॉडल में क्या होता था बताओ पाई मॉडल के अंदर बीच में एक इंपिडेंस होती थी जेड और दोनों तरफ होता था वाई बाई टू अब ये है पॉइंट वन प्लस जे पॉइंट थ्री टू और थ्री के बीच में है पॉइंट टू प्लस जे पॉइंट फोर वन और थ्री के बीच में पॉइंट वन प्लस जे पॉइंट टू ठीक है अब वाई बाई टू भी दिया है वाई बाई टू भी दिया है y तो बाई टू देखो पहली लाइन का j पॉइंट फाइव इधर और j पॉइंट फाइव इधर ठीक है दूसरी लाइन का j पॉइंट एट दूसरी लाइन कौन सी है टू से थ्री वाली टू से थ्री वाली तो उसका देखो j पॉइंट एट इधर और j पॉइंट एट इधर ये समझ में आया तीसरी लाइन में जीरो दिया है तो दिखाने की जरूरत ही नहीं है तो आप ये चीज पे ध्यान दो यहाँ पे करना क्या है यहां पे करना क्या है कि आपको एक तो इम्पिडेंस लगानी है पाई मॉडल में जो भी लाइन की सीरीज इम्पिडेंस है और जो उसकी शंट एडमिटेंस है वो आप कहां पे दिखाओगे बिटवीन बस एंड ग्राउंड अब देखो आपको मैट्रिक्स फॉर्म करने के लिए मेरे भाई आपको इम्पिडेंस की नहीं एडमिटेंस की जरूरत है तो वन और टू के बीच की एडमिटेंस क्या होगी वन बाय पॉइंट वन प्लस जे पॉइंट थ्री यह आपका आएगा वन माइनस जे थ्री वाई टू थ्री वन बाय पॉइंट टू प्लस जे पॉइंट फोर यह कितना आ जाएगा पॉइंट जीरो फोर पॉइंट वन सिक्स पॉइंट टू वन माइनस जे टू वाई वन थ्री इसकी सीरीज इंपीडेंस है पॉइंट वन प्लस जे पॉइंट टू तो हो जाएगा टू माइनस जे फोर ये बन गया तो हमने क्या किया है हमने जितनी भी सीरीज की इंपीडेंस थी उसे किसमें कन्वर्ट कर दिया है एडमिटेंस के अंदर अब आपको क्या करना है अब लिखनी है मैट्रिक्स ठीक है चलो मैट्रिक्स में यहां लिखता हूं देखो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि डायगनल पे आप कौन से एलिमेंट डालोगे सम डायगनल पे क्या डालोगे सम ठीक है ऐसा है क्या वीडियो में से कमेंट डिलीट हो रहा है देखना पड़ेगा बेटा ऐसा होना तो नहीं चाहिए अब देखो डायगनल पे आप क्या डालोगे यहां पे सबसे पहले आपके पास आया था वन माइनस जे थ्री प्लस जे पॉइंट फाइव अच्छा वन माइनस जे थ्री और एक और आया था सम डालना है ना आपको टू माइनस जे फोर भी आया था तो थ्री माइनस जे सेवन और इधर डालोगे नेगेटिव वन और टू के बीच का नेगेटिव वन और थ्री के बीच का नेगेटिव और सिमेट्री से भरते चलो सिमेट्री से आप भरते चलो ठीक है अब यहां पे आपके पास वन माइनस जे टू आया था उसका नेगेटिव डाल दिया अब यहां पे क्या आएगा टू टू पे टू से जुड़े सबका सम तो थ्री माइनस जे फाइव और जे वन पॉइंट थ्री था ठीक है इधर क्या आएगा थ्री माइनस सॉरी ये माइनस बाहर आएगा थ्री माइनस जे सिक्स और इस पे पॉइंट एट था यह ठीक है यहां पे हम लोग क्या लिख रहे हैं बेसिकली डायगेनल इज इक्वल टू सम ऑफ एडमिटेंस सम ऑफ एडमिटेंस कनेक्टेड टू अ बस ठीक है कनेक्टेड टू अ बस और ऑफ डायगेनल में हम क्या लिख रहे हैं नेगेटिव ऑफ एडमिटेंस बिटवीन टू बसेस ठीक है नेगेटिव ऑफ एडमिटेंस बिटवीन टू बसेस ये बात क्लियर है ऑफ डायगनल पे सॉरी डायगनल पे सम और ऑफ डायगनल पे नेगेटिव ऑफ द एडमिटेंस ठीक है चल अब आ जाते हैं यार अगले मेथड पे विच इज कॉल्ड एज द सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड सर जब इतना बेहतरीन मेथड हमारे पास है कि देखते से मैट्रिक्स आ जाती है तो ये दूसरे मेथड पे क्या क्यों जा रहे हैं ऐसा क्या रीजन है दूसरे मेथड पे जाने का यार देखो क्या होता है कई बार जो आपकी दो ट्रांसमिशन लाइन जा रही हैं एक हो सकता है दिल्ली से चल के बैंगलोर जा रही हो एक दिल्ली से हैदराबाद दो अलग अलग लाइन्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ ऐसे जा रही हैं दिल्ली से बैंगलोर दिल्ली से हैदराबाद अब ये दो लाइन के बीच में अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गई या फ्लक्स लिंकेज आ गया तब बेटा यहाँ पे जो हमारा पिछला मेथड है यानी डायरेक्ट इंस्पेक्शन वो नहीं चलेगा अगर इनके बीच में म्यूचुअल कपलिंग आ गई देन द डायरेक्ट इंस्पेक्शन मेथड विल फेल तब हम लगाते हैं सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड ठीक है तो आपको मैं यहां पे लिख भी देता हूं आप लोगों के लिए यूज वेन टू सेपरेट ट्रांसमिशन लाइन Have mutual inductance. अब इसके अंदर क्या करते हैं यार इसके अंदर ना पहले पावर सिस्टम का एक डायरेक्टेड ग्राफ बनाते हैं पावर सिस्टम खुद भी तो एक नेटवर्क ही है तो नेटवर्क का एक डायरेक्टेड ग्राफ बना लो डायरेक्टेड ग्राफ का मतलब है जहां हर ब्रांच की आपने एक डायरेक्शन एज्यूम कर रखी है अब इस डायरेक्टेड ग्राफ के हिसाब से आपको क्या बनाना पड़ेगा बस इंसिडेंस मैट्रिक्स सर ये बस इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या होता है बेटा एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका ऑर्डर होता है b क्रॉस n b इज द ब्रांचेज n इज द नोड b इज द ब्रांचेज एंड n इज द नोड्स अब यहां पे जो एलिमेंट होते हैं वो तीन तरह के होते हैं वन जीरो एंड माइनस वन वन कब होता है जब कोई ब्रांच जब कोई ब्रांच एक बस से बाहर जा रही है तो वन बस में अंदर आ रही है तो माइनस वन बस पे आ ही नहीं रही तो जीरो देखो ब्रांच बाय ब्रांच चलेंगे यहां पे देखो ये बसेस डाल दो वन टू थ्री फोर ये बसेस हो गई इधर ब्रांच लिख लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब देखो जो ब्रांच वन है वो वन से फोर जा रही है ना वन से फोर जा रही है तो वन पे प्लस वन और फोर पे माइनस वन बाकी किसी नोड से कनेक्टेड ही नहीं है बाकी किसी नोड से कनेक्टेड ही नहीं है तो बाकी जगह जीरो ब्रांच टू देखो टू से फोर जा रही है तो टू पे वन फोर पे माइनस वन ब्रांच थ्री देखो थ्री से फोर जा रही है तो थ्री पे वन फोर पे माइनस वन ब्रांच फोर देखो वन से टू जा रही है वन पे वन टू पे माइनस वन ब्रांच फाइव देखो टू से थ्री जा रही है 1 पे थ्री जा रही है वन पे वन थ्री पे माइनस वन ठीक है इस टाइप से ब्रांचेस डेडिकेटेड है जो ब्रांच जहां से निकलेगी उस नोड पे वन लिखना और जहां पे एंटर करेगी वहां माइनस वन तो आप ये भी कह सकते हो सर हर रो का सम तो यहाँ जीरो ही आएगा क्योंकि ब्रांच किसी ना किसी नोड से निकल के दूसरी नोड पे एंटर करेगी ही करेगी तो अभी तक हमने क्या समझा हमें पावर सिस्टम का एक डायरेक्टेड ग्राफ बनाना है जेठालाल डायरेक्शन आपकी मर्जी है कोई भी ले लेना आंसर में चेंज नहीं आएगा क्योंकि यहां रुकना नहीं है ये तो पहला स्टेप है ये तो बेटा पहला स्टेप है ये मत सोचो ये रिजल्ट आ गया तो जो फाइनल आंसर आएगा ना वो सेम आएगा ये मैट्रिक्स बदल जाएगी बस तो सबसे पहले क्या किया पावर सिस्टम का ग्राफ बनाया ब्रांचेस को डायरेक्शन असाइन की और फिर हमने बनाई बस ए बस इंसिडेंस मैट्रिक्स विच इज ब्रांचेस क्रॉस नोड अब इसके अंदर हम बात अगर करें कि इसका यूज कैसे करना है तो देखो हर ब्रांच को कैसे आप दिखा सकते हो इट कैन बी शोन एज अ करेंट सोर्स इन पैरल एडमिटेंस ये एक ब्रांच की बात हो रही है कि अगर पावर सिस्टम की एक ब्रांच शो करना है बेटा नेटवर्क से उल्टा है देवा प्रतिम नेटवर्क से उल्टा है यहां ऑर्डर यहां एन क्रॉस बी है बी क्रॉस सॉरी यहां बी क्रॉस एन है और नेटवर्क में एन क्रॉस बी होता है तो यहां पे देखो केसीएल से लिखोगे आई प्लस जे इक्वल टू वी वाई I प्लस जे इक्वल टू वी वाई अब I क्या है I है बेटा यहां पे आपका इस एलिमेंट में एंटर होने वाला करंट. और J क्या है ब्रांच करंट. J क्या है ब्रांच करंट. जब आप ऐसा लिखते हो A ट्रांसपोज इंटू जे इट बिकम जीरो सर ये जीरो कैसे हो गया A ट्रांसपोज इंटू जे मैं बताता हूं J इज योर ब्रांच करेंट देखो ए ट्रांसपोज इंटू जे करना है रुक जाओ पहले ए मैट्रिक्स क्या है भाई ए मैट्रिक्स क्या है ये याद करनी पड़ेगी वन जीरो जीरो माइनस वन फिर है जीरो वन जीरो माइनस वन जीरो जीरो वन माइनस वन वन माइनस वन वन माइनस वन फिर वन जीरो माइनस वन देखो यहां पे हम लिखते हैं इसका ट्रांसपोज लिखना है देखो ए मैट्रिक्स ऐसी है ये ए है ये है ए तो ए ट्रांसपोज इनटू टू जे अगर करोगे जे है ब्रांच करेंट ये हो गया आपका ए ट्रांसपोज और ये ब्रांच करंट हमने दिखा दिए देखो छह ब्रांचेस है ना आपकी तो ये छह आ गए ब्रांच करंट अब जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे ना मेरे भाई तो क्या बनेगा यहां पे J1 वन प्लस जे फोर प्लस जे सिक्स ठीक है फिर क्या बनेगा J2 टू माइनस जे फोर प्लस जे फाइव ठीक है फिर क्या बनेगा जे थ्री माइनस जे फाइव प्लस जे सिक्स फिर बनेगा माइनस जे वन माइनस जे टू यार ये आती है नल मैट्रिक्स आप कहोगे सर नल क्यों है क्योंकि बेटा ये जो समेशन आ रहा है ना आपके पास ये समेशन एक नोड पे एक नोड पे लगे सारे करेंट्स का सम है और ये केसीएल से जीरो है ये किससे जीरो है केसीएल से समझ में आया मैंने डायरेक्ट तो लिख दिया ए ट्रांसपोज इंटू जे इज जीरो मीन्स ऑफ के देखो वन प्लस फोर प्लस सिक्स देखना वन प्लस फोर प्लस सिक्स जीरो आएगा ये तीन करंट का सम वन प्लस फोर प्लस सिक्स तीनों का सम क्या आएगा जीरो क्लियर है ये क्लियर है ये बताओ तीनों का सम जीरो आ रहा है तो देखो इस हिसाब से हमने लिख दिया ए ट्रांसपोज इंटू जे जीरो दैट इज बाय केवीएल अब यहां पे आपको मिलेगा ए ट्रांसपोज इंटू आई प्लस ए ट्रांसपोज इंटू जे प्लस ए ट्रांसपोज वाई इनटू वी ठीक है तो यहां से बना ए ट्रांसपोज आई अब ये जो लेफ्ट में है ना ये बन जाता है आई बस लेफ्ट वाली मैट्रिक्स तो सही आ जाती है मैं भी आपको बताऊंगा ये है वाई प्रीमेटिव लेकिन ये जो V है ना ये V क्या है ये एक ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज है ये कौन सी वोल्टेज है ब्रांच वोल्टेज जबकि बनाने के लिए मुझे कौन सी वोल्टेज की जरूरत पड़ती है वाई बस बनाने के लिए कौन सी वोल्टेज की जरूरत पड़ती है वी बस की तो क्या होता है आई बस ये जो ब्रांच वोल्टेज होती है ना ये ए इंटू वी बस होती है अब आप सोच रहे होंगे सर हम कैसे मान लें ये भी चलो दिखा देते हैं यार ए मैट्रिक्स लिख लो देखते चलो हर चीज प्रूफ करा के करा रहा हूं हवा में कुछ नहीं है जितने भी ई एस सी एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फिर बाद में बोलेंगे सर ये ई एस सी में आएगा क्या ई एस सी में आएगा क्या करें ना करें ई एस सी ये जरूर जानना है ई एस सी में आएगा क्या बच्चों को जो है ना हंगामा मचाने में ज्यादा मजा आता है पढ़ना नहीं है देखो चार बसेज हैं आपके पास आपने ये चार बसेज लिख ली अब देखो आपको क्या मिलेगा आपने चार बसेस तो लिख दी अब देखना V1 वन माइनस वी फोर वी टू माइनस वी फोर वी थ्री माइनस वी फोर वी वन माइनस वी टू वी टू माइनस वी थ्री वी वन माइनस वी थ्री देखो ये आ गई वोल्टेजेस ठीक है अब इसके अंदर देखना यार वन माइनस वी पहली ब्रांच का वोल्टेज बना V2- टू माइनस वी दूसरी ब्रांच का वोल्टेज V3- थ्री माइनस वी तीसरी ब्रांच का वोल्टेज तो बेटा इसीलिए हमने ऐसा बोला कि ये जो ए वी ब्रांच जो होती है ना वी ब्रांच इज बेसिकली ए इंटू वी बस ये होती है ब्रांच वोल्टेज ए इंटू वी बस होती है तो अब यहां पे क्या हुआ ना मेरे भाई तो ये आ गया तो वाई बस क्या हुई यहां पे? वाई बस क्या हुई अब देखो वाई प्रिमेटिव जो है ना ये मैट्रिक्स क्या ये नहीं समझ आई होगी इसका ऑर्डर होता है ब्रांच क्रॉस ब्रांच इसके अंदर दो तरह के एलिमेंट होते हैं जो आपके डायगेल एलिमेंट होते हैं उन पे क्या आता है उन पे आता है सेल्फ इंपीडेंस ऑफ ब्रांच और जो ऑफ डायगनल एलिमेंट होते हैं उनपे क्या आता है भाई उनपे आता है म्यूचुअल इंपीडेंस बिटवीन ब्रांचेस ठीक है, ये क्लियर हुआ ऑफ डायगनल पे क्या लिखोगे म्यूचुअल इंपिडेंस बिटवीन ब्रांचेज एक एग्जांपल से सिखाता हूं देखो ये एक नेटवर्क दिया है आपको पावर सिस्टम का इसका वाइबस बनाना है पहले तो देखो अपनी मर्जी से डायरेक्शन ले लो मैंने ये डायरेक्शन मान लिया अब मैं क्या कहता हूं कि यहां पे ना ए मैट्रिक्स बनाओ भाई कितनी ब्रांचेज हैं दो ही ब्रांच है और कितनी नोड है तीन नोड है ध्यान से देखते चलना कैसे करते हैं वन वाली ब्रांच वन से निकल के थ्री में जा रही है टू वाली ब्रांच वन से निकल के टू में जा रही है लो भाई ये बन गई अब बात है वाई प्रिमेटिव की वाई प्रिमेटिव से पहले बनता है जेड प्रिमेटिव हमने क्या लिखा है ये जो है ना ये z प्रेमेटिव का इनवर्स होता है और ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके z प्रेमेटिव के लिए हैं z प्रेमेटिव आप जो बनाओगे ना उसमें ऐसा रखना है इंपीडेंस तो देखो z प्रेमेटिव कितने की बनेगी यार टू क्रॉस टू की समझो ब्रांच क्रॉस ब्रांच बनती है टू क्रॉस टू वन वन का मतलब वन वन का मतलब सेल्फ वन टू का मतलब ये री म्यूचुअल टू वन का मतलब म्यूचुअल टू टू का मतलब सेल्फ अब यहां से वाई प्रेमेटिव क्या हो जाएगी इसका इनवर्स तो ये हो गया पॉइंट वन माइनस पॉइंट जीरो वन तो ये हुआ माइनस जे फाइव पॉइंट फाइव ये बन गया वाई प्रेमेटिव अब आपको करना क्या है बस ए ट्रांसपोज वाई प्रेमेटिव इन ए y primitive into a पहले मैं लिख देता हूं ये टू क्रॉस टू है ये टू क्रॉस थ्री है तो टू क्रॉस थ्री आएगा फर्स्ट फर्स्ट रो कॉलम माइनस जे को अलग ही रखो फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम ये बन गया अब ए ट्रांसपोज इंटू ए ए ट्रांसपोज इंटू ये पूरा जो आंसर आया है ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माने इसकी रो होगी वन 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 वाली रो होगी फिर अगली रहोगी जीरो माइनस वन जस्ट अ मिनट जीरो माइनस वन फर्स्ट कॉलम फिर होगी माइनस वन जीरो माइनस वन जीरो माइनस वन जीरो आ गया ठीक है तो दिस विल बी दी आंसर ये बात क्लियर है अब वन वन वाली जो थी मुझे फील क्यों नहीं आ रहा है कुछ तो गड़बड़ हुई है माइनस ये अलग रखा है फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम थ्री पॉइंट थ्री थ्री फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम माइनस वन पॉइंट वन वन माइनस टू पॉइंट टू टू सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स माइनस फाइव पॉइंट फाइव फाइव माइनस वन पॉइंट वन वन ये तो ठीक है अब ए ट्रांसपोज नाइन पॉइंट नाइन नाइन ज़ीरो माइनस वन जीरो माइनस वन ये तीनों तो सही हैं अब जीरो माइनस वन सही आ रहा है क्या ये यार ये वन पॉइंट वन वन ये जो पॉजिटिव आ रहा है ना ये मुझे दिक्कत लग रही है फर्स्ट रो इनटू सेकेंड कॉलम माइनस सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स फर्स्ट रो इंटू ये वन पॉइंट वन वन थर्ड रो इंटू सेकेंड कॉलम से आ रहा है चलो ठीक है यही आंसर आएगा यही आएगा मुझे ना दिक्कत बस इसकी लग रही थी ये माइनस क्यों नहीं आया बट माइनस आ जाता तो बैलेंस आउट भी तो नहीं होती टर्म चलो ठीक है सही है ना तो ये आपका आंसर आ जाएगा यार व्हेन यू आर ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट वाई बस यूजिंग दिस मेथड तो यहां पे कब यूज करना है ऐसा जब दो अलग अलग लाइन के बीच में एक म्यूचुअल इंपिडेंस दे दे जे पॉइंट वन जैसे की तो तब आप ये मेथड यूज करोगे बेटा अगर एक भी बच्चे का चैलेंज अप्रूव होता है तो सब बच्चों को नंबर मिलते हैं ठीक है चलो तो आज के लिए बेटा इतना ही आज, आज आपका वाइबस पूरा हो गया है और मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं जितने बच्चे प्लस के बारे में जानना चाहते हैं मैंने सारे बैचेस का इंफॉर्मेशन एक जगह डाल दिया है टाइनी यू आर एल डॉट कॉम स्लैश ई एस गेट बैचेस आप यहां जाओ आपको मिल जाएंगे लिंक्स अभी फर्स्ट ऑफ मार्च से नया बैच हमारा स्टार्ट हुआ है और उसमें मैं उसमेंटीन ऑफ मार्च से एनालॉग लेके आ रहा हूं प्लस पे ठीक है टू ईयर के ले जाओ पर मंथ कॉस्ट मिनिमम है एंड आप इसको ई पे ले सकते हो विदाउट पेइंग एनी इंटरेस्ट आइकॉनिक पे जाते हो तो वन ईयर में अंकित ई लगा देने से आपका फीस हो जाता है फोर्टी फाइव टू टी फाइव टू ईयर का 66, आप के लिए जाओ पर मंथ कॉस्ट मिनिमम है और आप विदाउट एनी इंटरेस्ट ईएमआई पे ले सकते हो और देखो ये मेरा येडमी प्रोफाइल है तो ऐप डाउनलोड करके मुझे फॉलो जरूर कर लेना एंड यू कैन सेंड मी मैसेजेस हेयर इसके अलावा बच्चों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है आज यहाँ पे प्रोटेक्शन के सारे नोट्स डल गए हैं तो यहां जरूर आ जाना और अंकित गेट के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है फॉर डाउट डिस्कशन ठीक है सो थैंक यू एवरी वन लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक देंगे यार दबा के और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि हर किसी को फ्री इनिशिएटिव का फायदा मिले थैंक यू एवरीबडी